नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोलता बिजनौर में। बिजनौर में हुई व्यापारी के साथ लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए बिजनौर काली मंदिर के चौराहे के पास चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से लूटी हुई रकम भी और लैपटॉप भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने चारों बदमाशों को जेल भेज दिया है। दरअसल दो दिन पूर्व देर रात्रि व्यापारी राजीव अग्रवाल अपनी दुकान बंद करके 1,20,000 की नकदी, लैपटॉप व अन्य सामान लेकर घर जा रहे थे। जैसे ही व्यापारी राजीव अग्रवाल अपने घर के नजदीक पहुंचे, तभी पहले से ही घात लगाए बैठे चारों बदमाशों ने तमंचे की बट मारकर व्यापारी राजीव अग्रवाल को घायल कर दिया था और बैग में रखी 1,20,000 की नकदी और लैपटॉप लेकर फरार हो गए। लूट की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए 3 टीमों का गठन किया था। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि चारों बदमाशों में एक व्यापारी के यहाँ काफी समय से नौकरी करता था, जिससे व्यापारी से किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई थी और व्यापारी ने उसको नौकरी से निकाल दिया था। तब से ही आरोपी उससे रंजिश रखता था, इसी कारण लूट की घटना को चारों ने अंजाम दिया था। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए घटना का खुलासा किया और चारों बदमाशों को जेल भेज दिया है। 9 अक्टूबर को सायं 8:15 बजे के लगभग बिजनौर शहर के सिविल लाइन्स कस्बे में राजीव अग्रवाल नाम के एक आढ़त व्यापारी के साथ में चार बदमाशों ने लूट की घटना कारित किया। इसमें उनके लैपटॉप और 2,40,000 रूपए एवं अन्य सामान लूटा जाना बताया गया। एक नीरज भाटी और स्वाट टीम यहां के क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी प्रभारी निरीक्षक द्वारा 24 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण किया है। इसमें घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, तमंचे, लैपटॉप, 1,20,000 रूपया बरामद किया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके खिलाफ गैंगस्टर रेड की कार्रवाई कराई जाएगी और गिरफ्तार करने वाली, अनावरण करने वाली टीम को 25,000 रूपये का पुरस्कार भी दिया जा रहा है।